संपूर्ण रामायण, बालकांड, राम का जन्म, मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमातर रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने लगा तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करके साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्सु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे के ठगे रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्नाभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में परंपरागत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण रामायण की बालकांड के राम जन्म की कहानी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।